हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जिनको हम रूटीन में नहीं काउंट करते हैं, तो जैसे कि हमारा फ्रिज हो गया, तो इसकी सफाई करनी भी हमें 4-5 दिनों के बाद इसकी सफाई करनी ज़रूरी हो जाती हो, तो आज हम इसकी सफाई करेंगे और आपके साथ डॉग अपना शेयर करेंगे। तो देखिए, पूरा फ्रिज हमारा भर चुका है। अब इसकी हमने क्लीन करना है, इसको सफाई करनी है, डिफ्रॉस्ट भी करेंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी जो हमें ज़रूरत नहीं है उनको निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, खाली कर लेते हैं। तो अब फ्रिज को मैंने खाली कर लिया है, पहले इसकी सफाई करेंगे। इसकी जो सारी प्लास्टिक की ट्रे हैं इनको हमने सर्फ के साथ धो देना है, डीप क्लीनिंग करेंगे। तो ये सारी प्लास्टिक ट्रे हैं, इनमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ।
तो मेरी सारी ट्रे धुल चुकी है, तो फ्रिज को साफ कर लेते हैं। अब सर्फ के साथ साफ हो चुका है। अब एक साफ कपड़ा लेके हमने इसको गीला कर लेना है, अच्छी तरह से इसको पोंछ लें। अंदर से सफाई हो चुकी है, बाहर से भी कर लेते हैं। तो अब सारी ट्रे बाहर से सूख चुकी हैं, अब इनको फिट कर देते हैं। सारा फ्रिज हमारा क्लीन हो चुका है, जिसमें हमने सामान रख देना है। जो बड़ी बॉटल्स है हम नीचे रखेंगे, छोटी बॉटल्स ऊपर।
तो इस तरह से सारी फ्रिजें जो सफाई हो चुकी है, ऑर्गेनाइज हो चुकी है, जो फालतू सामान है जो पुराना हो चुके, हरी मिर्च, नींबू, जो भी पुरानी सब्जी हो चुकी है, तो उसको मैंने बाहर फेंक दिया है। और हमारा फ्रिज है जो अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है, हाइजीनिक हो चुका है, अच्छी तरह से सर्फ से इनको हमने जो प्लास्टिक की ट्रेज है सबको धो दिया है। तो एक हफ्ते में या 10 दिन में ऐसी सफाई हो जाए तो फ्रिज को फिर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता, इसकी मोटर के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।